दोस्तों अगर आप भी एंजल वन एप्लीकेशन को यूज करते हैं स्टॉक मार्केट एंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आज का ये अपडेट आप सभी के लिए जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपका जो अकाउंट है वो अकाउंट सस्पेंड भी किया जा सकता है। जैसे कि आप सब देख ही सकते हो कि एंजल वन की तरफ से मेरे को एक मैसेज आया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है वैलिडेट योर ईमेल आईडी एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बिफोर 15 मई 2023। 2023 का 15th मई मतलब आज है यहाँ पे 7 तारीख, तो 7 तारीख से लेके मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 7 डेज ही बचा हुआ है। 7 डेज के अंदर मेरे को मेरा जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी होगा वो मेरे को वैलिडेट करना होगा। तो किस तरीके से आप वैलिडेट कर सकते हो उसका प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ये जो 4 स्टेप का प्रोसेस है ये आपको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको किस तरीके से वैलिडेट करने विथ प्रूफ इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखो, अगर आपको इस तरीके का व्हाट्सएप में कोई भी मैसेज आता है तो इस मैसेज को सबसे पहले आप फॉलो मत करो। अगर आप इस तरीके का मैसेज को फॉलो करोगे तो दोस्तों आप फ्रॉड के शिकार हो जाओगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपको फ्रॉड का शिकार किया जा सकता है। जो लिंक आपको भेजेगा उस लिंक को अगर आप ओपन करोगे तो हो सकता है कुछ इस तरीके का आपका सामने इंटरफेस आ जाए जहां पे क्लियरली आपको आपका पैन कार्ड नंबर एंड नीचे कैप्चा मांग रहा है। जैसे ही आप आपका पैन कार्ड नंबर रजिस्टर करके आप कैप्चा फिल करके सबमिट कर दोगे, वैसे ही उस लिंक को जिस बंदे ने भी क्रिएट किया था उसके पास आपका टोटली डिटेल्स चला जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे आप फ्रॉड का शिकार इस तरीके से हो सकते हो कि आपका जब भी पैन नंबर उसके पास जाएगा वो अगर चाहेगा तो हो सकता है एंजल वन का ही कोई क्रिएटर हो या फिर एंजल वन का ही कोई एम्प्लॉई हो, वो आपका टोटली डिटेल्स निकाल के आपको फ्रॉड में फंसाया जा सकता है। दोस्तों सबसे बेस्ट वे एंड सेफ वे है कि आप एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन करके अकाउंट का सेक्शन में जाओ एंड ऊपर की तरफ कॉर्नर पे जो आपका नेम लिखा हुआ रहेगा वहां पे प्रेस करो। वहां पे प्रेस कर दिया अभी स्क्रीन ब्लैक हो गया क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन के पर्पस वो ब्लैक कर देता है एप्लीकेशन ही। वहां पे अगर आपको आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी एंड आपका पैन नंबर शो हो जाए, इसके मतलब है कि आपको किसी भी तरीके का अभी किस टाइम पे वैलिडेट करने का जरूरत नहीं है। अगर किसी भी तरीके का आपको वैलिडेट करने का जरूरत होता है तो आपको एसएमएस के थ्रू या फिर दोस्तों एप्लीकेशन के थ्रू आपको कॉल भी कर लिया जा सकता है या फिर आम तो है आप सभी को अपडेट देने के लिए, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों चाहे एंजल वन हो या फिर किसी भी तरीके का एप्लीकेशन की तरफ से अगर आपको मैसेज मिले तो आपको सबसे पहले वो वेरीफाई करना है कि ये ओरिजिनल है या फिर फेक है। जैसे कि एंजल वन का ये जो मैसेज है, ये मैसेज आया था मेरे को फेक एम्प्लॉय की तरफ से, हो सकता है ये फेक ही हो। 90% मेरे को लगता है ये फेक है क्योंकि दोस्तों ओरिजिनली में ही इस तरीके का आपको मैसेज देखने के लिए मिलता है जहां पे मैं ऑलरेडी बातें कर चुका हूं। तो एंजल वन की जो ओरिजिनली अकाउंट होगा व्हाट्सएप का वो व्हाट्सएप की तरफ से वेरीफाइड रहेगा। सो दोस्तों जब वेरीफाइड हो तब भी आप एंजल वन के साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो, उनका जो भी लिंक दिया हुआ रहेगा उसमें आप टैप करके 100% सेफली विजिट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर व्हाट्सएप वेरीफाइड नहीं है तो उसमें आप मत जाइएगा। ये दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी को रिक्वेस्ट है ताकि आपका अकाउंट सेफ रहे एंड सिक्योर रहे।